तो यार कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर सीजन 5 गेट राइट का अपडेट आने में सिर्फ और सिर्फ भाई 2 दिन रह गए हैं। इसलिए यार आज वाली वीडियो में मैं तुम लोगों को जो है सीजन 5 के बैटल पास के टीयर 1 से तक टीयर 50 तक जितने भी रिवॉर्ड्स आने वाले भाई सारे के सारे आज वाली वीडियो में बता देने वाला हूँ। जैसे कि करेक्टर स्किन्स, गन स्किन्स, इमोट, सीपीज और भी भाई जितने भी रिवॉर्ड, यानी कि मैं सारे के सारे कवर करने वाला हूँ आज वाली वीडियो के अंदर। इसलिए यार वीडियो आज वाली बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, एंड तक जरूर से देख लेना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी चलो जल्दी से हमारे लीग्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले तो जो सीजन 5 गेट राइड का बैटल पास का ट्रेलर है वो तुम लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। जो अपना सबसे पहला करेक्टर है बैटल पास का वो है सिम्स रेगुलेटर। और यार फाइनली काफी टाइम बाद जो है एक मिलिट्री थीम्ड करेक्टर हम लोग को यहाँ पर बैटल पास के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि यार पिछले 3-4 सीजन से जो है काफी फंकी करेक्टर स्किन जो है बैटल पास के अंदर ऐड कर रहे हैं। और यार पर्सनली मैं बताऊँ तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे गेम के अंदर जो है मुझे मिलिट्री थीम करेक्टर्स ही पसंद आते हैं। ये जो है ज्यादा मतलब कि एनिमे स्किन्स और जितनी भी कलरफुल स्किन्स है ये मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छी नहीं लगती। वैसे तुम्हारा क्या कहना है, तुम लोग को सिम्स रेगुलेटर कैसा लगा कमेंट बताना मत भूलना। तो नेक्स्ट बैटल पास के करेक्टर स्किन की बात करें तो वो है सिनेप्टिक न्यूट्रलाइजर, और ये जो है एक रोबोटिक थीम के साथ आने वाला है। देखा जाए तो पहले जो सिनेप्टिक का करेक्टर आया था उसके कंपैरिजन में तो ये जो है मुझे बढ़िया लग रहा है। वैसे तुम्हारा क्या कहना है, तुम लोग जो है इसको बाय करोगे या फिर नहीं, मुझे कमेंट बताना मत भूलना। नेक्स्ट स्किन है रैम्पेज शोडाउन, और देखा जाए तो यार ये करेक्टर स्किन जो है मुझे मतलब ठीक ठीक यानी कि एक तरीके से एवरेज लग रही है। मतलब कि बैटल पास के हिसाब से यार मुझे जो है ये स्किन कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आई। तुम्हारा क्या कहना है कमेंट बताना मत भूलना। तो जो लास्ट स्किन है अपने बैटल पास की वो सबसे बेकार है, जिसका के नाम है रोज स्मोकी साइज। और देखा जाए तो यार ये जो है बैटल पास लेवल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा वाहियात स्किन है ये। देखा जाए तो यार जो छोटी मोटी स्किन जो है सीजनल इवेंट के अंदर और फीचर इवेंट्स के अंदर आती रहती है ये उस लेवल की लग रही है, बैटल पास लेवल की ये स्किन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और अगर जो है तुम लोग बैटल पास बाय करोगे तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ गारंटी कर सकता हूँ कि तुम जो है रोज की इस स्किन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हो। तो यार ये थे सीजन 5 बैटल पास के सारे करेक्टर स्किन्स। तुम लोगों को इनमें सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सा लगा है मुझे कमेंट बताना मत भूलना। और अब हम बढ़ेंगे सीजन 5 बैटल पास के गन स्किन्स की तरफ। स्टार्ट करें तो सबसे पहली बैटल पास की गन स्किन तुम लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी और वो है AK-117 कॉर्पोरेट इशू। देखा जाए तो इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे येलो और ब्लैक का। लेकिन भाई पर इन गेम व्यू की बात करूँ तो देखने में तो यार गन स्किन मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन भाई मैं एक ही चीज़ से डिसअपॉइंटेड हूँ, वो ये है कि हमें जो है इसके अंदर कस्टम आयरन साइट देखने को नहीं मिलने वाली है। यानी कि जो नॉर्मल AK-117 के अंदर डिफॉल्ट आयरन साइट आती है वही जो है हमें इस स्किन के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बैटल पास की गन स्किन है हमारे सामने शॉर्टी पैच। और देखा जाए तो भाई इस गन को जो है मतलब कि जुगाड़ से कैसे ना कैसे करके टेप से जो है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वालों ने चिपका रखा है। और भाई मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ गेम में इसको ज्यादा जोर से अगर तुम लोग लेके भागोगे और ये बिखर गई तो भाई कॉल ऑफ ड्यूटी तुम्हें रिफंड नहीं देने वाला है। नेक्स्ट बैटल पास की गन स्किन की बात करें तो वो है ZRG की होली रोमन। और यार ये स्किन जो है मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है दिखने में, खासकर यार जो इसके ऊपर इन लोगों ने छोटे छोटे से ये स्पाइक्स लगा रखे हैं, इसने भाई इस पूरी स्किन की जो है लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर रखा है। वैसे तुम लोगों को ये स्किन कैसी लगी मुझे कमेंट बताना मत भूलना। और यार जो फोर्थ स्किन है सीजन 5 के बैटल पास की स्विच ब्लेड ट्रेचरी, वो यार सच्ची में बैटल पास स्किन लगी नहीं रही है। मतलब कैसा लग रहा है यार वो जो फीचर्ड इवेंट सीजनल इवेंट में आती रहती है ना स्किन F2P प्लेयर्स के लिए वैसी लग रही है। एपिक स्किन तो ये कहीं से भी नहीं लग रही है। और भाई जो मेरे पास 2 एपिक स्किन है स्विच ब्लेड की जो कि मैंने फ्री में अनलॉक करी थी वो भाई इससे तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही है। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है यार मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि है अपनी FFAR बर्न्ड अ किंडर। देखा जाए तो भाई गन स्किन दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है और गेम के अंदर तो यार और भी ज़्यादा बढ़िया लग रही देखने में। और एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूँ इस गन स्किन के गन के बारे में, और वो ये है कि भाई इसके साथ जो है अपन को एक स्पेशल जो है वेपन इंस्पेक्शन देखने को मिलने वाला है। यानी कि यार बाकी सब गन्स में जो है सेम वेपन इंस्पेक्शन होता है लेकिन इसके अंदर अपन को थोड़ा सा डिफरेंट वेपन इंस्पेक्शन देखने को मिलने वाला है। तुम्हारा इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट में बताना मत भूलना। तो देखा जाए तो भाई सारी की सारी गन स्किन जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी सीजन 5 के बैटल पास के अंदर है वो स्विच ब्लेड वाली स्किन के। और एक चीज़ है जिससे कि यार मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, वो ये है कि यार इस बार जो है हमें कस्टम आयरन साइट एक भी गन स्किन के अंदर यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है। यानी कि जो डिफॉल्ट आयरन साइट होती है यहाँ पर गन्स की वही हमें जो है बैटल पास के सिंस में भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन यार मैं तो दुखी क्यों हो रहा हूँ, मुझे कौन सा बैटल पास बाय करना है। बैटल पास सब्सक्रिप्शन की बात करें तो भाई यहाँ पर जो है हमें टोटल 3 स्किन देखने को मिलने वाली है अगर हम लोग बैटल पास का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो। बैटल पास सब्सक्रिप्शन के करेक्टर स्किन की बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा हंटर इन्फेंट्री, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और उसके हाथ में जो है बैटल पास सब्सक्रिप्शन की गन स्किन है जो कि है MAC-10 की मोलॉस्क मेजेस्टी। वैसे देखा जाए तो यार दोनों के दोनों रिवॉर्ड्स ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे मुझे दिखने में। तुम लोग यार बैटल पास के साथ साथ बैटल पास सब्सक्रिप्शन लोगे या फिर नहीं कमेंट में बताना मत भूलना।
साथ ही में बैटल पास के अंदर कुछ छोटे मोटे रिवॉर्ड्स भी है जो कि तुम लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। कुछ अवतार फ्रेम है और बैकपैक, और यहाँ पर जो है ग्लव्स की स्किन भी तुम लोगों को देखने को मिल रही है। वैसे भाई बॉक्सर्स को इसकी क्या जरूरत है यार, तुम तो बड़े लोगों मतलब कि डायमंड की स्किन अनलॉक कर रखे इन लोगों ने बॉक्सिंग पे। मतलब कि यार मुझे समझ नहीं आता यार, तुम लोग खुद इमेजिन करो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे एक बैटल फील्ड गेम के अंदर जहाँ पर कि इंटेंस फाइट चल रही है, एक बंदा पता नहीं कहाँ से बॉक्सिंग ग्लव पहन के कूदेगा और 1v3 क्लच मार जाएगा। बाकी तो हाँ यार आज वाली वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारे पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ गाइस यार एक रिक्वेस्ट है यार, जितने भी व्यूअर्स आते हैं यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपन 200 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। इसलिए यार प्लीज़ गाइस यार जो भी लाइक चैनल पर आता है यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाया करो। बाकी मिलते हैं कुछ धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।